चलो वर्ड क्या था? सुनी यही है, ठीक यस है। अब इसके अंदर वही दो केसेस, एक वर्ड दिया होगा उसकी पोजीशन ढूंढनी है, पोजीशन दिया होगा वर्ड ढूंढना है। पहले तो ये बताओ इसके यूज करके कितने टोटल वर्ड बनाए जा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल बाय 2, राइट? तो कितने आ जाएंगे? 360। अब कोई भी एक नंबर बोल रैंडम, 360 से कम कम, 264, ठीक है। और एक वर्ड बोल, इनको रोटेट कर करके आ रही, ठीक है। अब तो इसकी पोजीशन ढूंढनी है और इस पोजीशन पे क्या वर्ड आएगा वो ढूंढना, ठीक है। अब लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, अब ध्यान से देखना इसके डिटेल देखो जरा पहले। अगर अल्फाबेटिकली लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? दो बार, ठीक है। उसके बाद ठीक है, बाकी एक एक बार। अब आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? अब ध्यान से देखो, एक आई फिक्स हो गया, अब बाकी बाकी इधर क्या आएंगे? एक आई फिक्स हो गया, बाकी क्या बचेगा? एस यू आर टी आई। अब इनको अरेंज करने के तरीके तो 5 फैक्टोरियल, अब 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, एक आई फिक्स हुआ ना, बाकी एक आई तो इधर रिवॉल्व होगा ना, तो इसके टोटल केसेस कितने आएंगे? 5 फैक्टोरियल, राइट। अब अगर आर फिक्स हुआ, आर फिक्स हो गया, बाकी क्या बचा? एस यू आई आई टी, हाँ है ना। अब इसका कितने केसेस आएंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल कितना होता है? और ये तो भैया ध्यान से देखो, कल जब हमने देखा था केस कि जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं थी उसके अंदर सबके सबसे स्टार्ट होने वाले के जो थे वर्ड वो इक्वल थे, इसके अंदर इक्वल नहीं आ रहे। अब आई से ज्यादा आ जाएंगे, राइट, बाकी सबसे आधे आधे आएंगे। अच्छा, एस से स्टार्ट होने वाले यू आर आई टी आई को रोटेट करके कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल बाय 60, इसके भी 60, इसके भी 60, तब जाके हमारे टोटल बनेंगे 60 60 60 60, 240 प्लस 120 360, तब जाके हमारे टोटल 360 केसेस बनेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। अब आई, हमें आई से स्टार्ट होने वाली चाहिए, राइट। एक काम करो, तुम जो बोल रहे थे वही वाला बोलो, बोलो बोलो, आर आई टी यूएस आई, ठीक है। तो सबसे पहले आई से स्टार्ट होने, अब इसकी पोजीशन ढूंढनी है, तो आई से स्टार्ट, उसके बाद आर से स्टार्ट होने वाले, एस से, टी से, यू से। एक काम करना यार, कुछ टी से या यू से बोल, यू आर आई आई टी एस, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे को यू से स्टार्ट होने वाली की पोजीशन चाहिए तो इससे पहले ये सारे के सारे आ जाएंगे, तो इससे पहले पहले क्या क्या आ गए? 120 कैसे, 60 कैसे, 60 कैसे, 60। तो इसकी जो पोजीशन आएगी यू से स्टार्ट होने वाले की, राइट, उसकी पोजीशन निकालने के लिए सब सारी की सारी पहले वाली पोजीशन ऐड करेंगे। अब अगेन, अगर हम 5 लाइन में लगे हैं तो मेरी पोजीशन क्या होगी? मेरे से पहले कितने लगे हैं प्लस मेरी खुद की पोजीशन, तो मेरे से पहले कितने लगे हैं उसके लिए ये आ गया, दैट इज प्लस समथिंग। अब आएगा प्लस वर्ड तक पहुंचेंगे, उसके पहले यू से स्टार्ट होने वाले जितने आ जाएंगे वो ऐड करेंगे, प्लस उसकी खुद की पोजीशन 1 ऐड करेंगे, राइट। अच्छा, अब यू तो आ गया, यू फिक्स हो गया, यू गया। अब उसके बाद आई आर एस टी आएगा, आई आर एस टी, ठीक है, आई आर एस टी आएगा। अब आई से स्टार्ट होने वाले, अब देखो यू आई फिक्स हो गया तो यू आई गया, तो बाकी का बचा एस आर आई टी, तो कितने आएंगे? अच्छा, यू एंड आर चला गया तो बचा एस आई आई टी, तो 4 फैक्टोरियल बाय इधर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इधर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल टू बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 24 12 12 12, तो 12 3 36, 36 एंड 24
तो दो जाके ये यू से स्टार्ट होने वाले 60 केसेस बन गए। अब मेरे को चाहिए आर से स्टार्ट होने वाला, तो उसके पहले पहले ये वाले केसेस चले गए तो 24 और चले गए। अब आर से चाहिए था, आर को फिक्स कर दिया, आर को फिक्स कर दिया। अब ये वाले केसेस के अंदर जाना, ये 12 केसेस के अंदर। अब आर से स्टार्ट, आर के बाद क्या बचा, आई एस टी। हमें क्या चाहिए, आई, तो ये भूल जाओ। इनफैक्ट अगर तो एस से स्टार्ट होने वाला होता तो इससे पहले आई वाले आ जाते, लेकिन आई से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट केस है तो इसके पहले कोई भी नहीं गया अभी, तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब आई को फिक्स कर दिया, एक आई चला गया, एक आई अभी भी बचा। अब सबसे पहले आई आएगा, फिर आएगा एस, फिर आएगा टी। अब अपने को क्या चाहिए, आई, अपने को आई चाहिए, इनफैक्ट यही चाहिए अपने को, तो अभी भी इसके पहले कुछ भी नहीं गया, तो आई को भी फिक्स कर दिया। फिर हमने, फिर बचा एस टी, तो इसके बाद आएगा एस टी या तो टी एस। हमें क्या चाहिए, टी एस, तो टी एस से पहले पहले एक और चला गया तो प्लस वन, एंड प्लस इसकी खुद की पोजीशन प्लस वन, तो टोटल चला जाएगा 6, 326। तो इसकी पोजीशन आ गई 326। क्लियर हुआ कैसे करना है, कहा यू एंड आई फिक्स कर दिया ना, तो यू एंड आई फिक्स कर दिया, तो बाकी बचा आई आर एस टी, तो उसको रोटेट करने के लिए 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर हुआ कैसे करना है, श्योर? लास्ट वाला क्या नहीं समझा, 4 फैक्टोरियल के बाद। अब ये सोचो कि मान लो मेरे को खुद की पोजीशन देखनी है, अगर मैंने अपने पहले वाले सारे के सारे काउंट कर लिए तो खुद की पोजीशन ढूंढने के लिए उसके आगे वाले सारे काउंट कर चुका, तो उसके अलावा और कोई काउंट नहीं करूंगा, राइट, 0-0 काउंट करता रहूंगा जब तक मैं खुद तक नहीं पहुंच जाऊंगा। अब यू आई के बाद मेरे पास 4 केसेस बचे जो अभी मेरे को फिल करने हैं, लेकिन लेटर्स कितने बचे, आई आर एस टी, तो सबसे पहले आएगा, सॉरी इधर आर फिक्स किया था ना, इधर आर, तो आई आर एस टी, सॉरी आर नहीं, आई एस टी, यू आर, यू आर, यू एंड आर ना। अच्छा ये कैसे लिखा, अल्फाबेटिकली, देखो जो फिक्स कर दिया वो काटते जा रहे हैं, यू फिक्स कर दिया था तो यू काट दिया, उसके बाद आई फिक्स किया, आई नहीं सॉरी आर फिक्स किया था तो आर काट दिया, अभी ये आई है, ये 2 के 2, राइट। इसके बाद थर्ड लेटर पे क्या आ सकता है, या तो आई या तो एस या तो टी। अपने को क्या चाहिए, अपने को आई ही चाहिए, तो अपने को यही चाहिए। ये तो बाद वाले को थोड़ा ना काउंट करेंगे, मेरे पीछे जो लगे हैं उनको थोड़ा ना काउंट करोगे अपनी खुद की पोजीशन ढूंढने के लिए, तो इनको हटा दिया। अब इसकी पोजीशन ढूंढने के लिए क्या इसके पहले कुछ और आया, अगर तो देखो यू आर एंड एस होता तो आई से स्टार्ट होने वाले जो केसेस थे उनको काउंट कर लेते, उसके पहले पहले आ जाते। अब अगर खुद ही वो है तो इसके पहले पहले कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आई फिक्स कर दिया तो एक आई चला गया। अब इसके बाद आएगा आई एस टी, तो आगे अगली वाली 4th पे आएगा आई एस टी। अब मेरे को फिर से आई ही चाहिए, अगर फिर से आई चाहिए तो अगेन इसी को फिक्स कर देंगे, और इसके पहले अगेन कुछ और नहीं गया, यही से स्टार्ट होने वाले आएंगे। अब बाकी बचे 2 एस टी, तो अल्फाबेटिकली देखा जाए पहले क्या आएगा, एस, फिर आएगा टी, और इधर एस आया, इधर टी, इधर टी आया, इधर एस। मेरे को ये चाहिए तो इससे पहले पहले अब ये 1 चला गया तो इसलिए प्लस 1, और इसकी खुद की पोजीशन के लिए प्लस 1। ये समझ आया, जब काउंटिंग कर रहे हैं तो नहीं नहीं कहां काउंटिंग कहां कर रहे हैं, क्या क्या, हाँ क्योंकि पहले आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड हो या सेकंड वाले आई से हो वो तो सेम होंगे ना, तो उनको अलग अलग क्यों काउंट करोगे, उनको तो सेम काउंट करोगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना हमारे पास, है 2 है, वहां पर भी 2 ही है, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी 2 ही है। क्लियर हुआ, यस, इसको और कोई तरीका नहीं, इसी तरीके से प्रॉपरली इसको फिक्स करना, यस, नहीं सिंगल एलिमेंट ऑब्वियसली बोथ आई आर से, दोनों आई अलग अलग, अगेन मेथड अलग लेके जा रहे हो, 2 आई अलग अलग नहीं है, दोनों आई सेम है, अगर अलग अलग लेके जा रहे हो तो गलत कर रहे हो।
डायरेक्टली 120 नहीं लिखा, आई से स्टार्ट होने के लिए एक आई चला गया, बाकी क्या बचा, आई आर एस टी यू ना, आई आर एस टी यू, तो इसको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल, लेकिन आर से जब स्टार्ट होगा तो डबल आई एस टी यू आएगा ना, तो इसके कारण इसके 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये लिखा तो है इधर 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसके लिए इसके 60 केसेस है, इसके 120 केसेस आए, तो ये प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसके अंदर, फायदे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बताओ कहाँ कंफ्यूजन आ रही है। क्या नहीं सही आ रही बोलो, अपने को टीएस चाहिए ना, तो इसके पहले एक और वर्ड आ गया ना, तो उसके लिए +1 और खुद की पोजीशन के लिए +1, उसके पहले वाले जितने भी वर्ड आ रहे हैं मेरे पहले जितने भी लाइन में लगेंगे उनको तो ऐड करूंगा ना मैं, तो इसके पहले जितने भी लाइन में लगे हो सबको ऐड करोगे ना, 120 60 60 60 24 1, पिछले वाले सारे सारे अगले वाले सारे के सारे ऐड कर दिए और उसकी खुद की पोजीशन के लिए +1, ठीक है ना। एक काम करो ये वाला करो जरा, हाँ इसके अंदर इसकी पोजीशन ढूंढनी है, ध्यान से देखो, तो पहले हमें करना है 134th पोजीशन, तो देखो सबसे पहले अल्फाबेटिकली अगर लगाया तो क्या आएगा, फिर आई दो बार आया, राइट। अपने को किस पोजीशन पे जाना है दोबारा से प्लीज ध्यान से समझना, जो जो पॉइंट अभी कंफ्यूजन का है क्लियर करना, ठीक है। अब आई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे, फिर आर से, फिर एस से, फिर टी से, फिर यू से, अब जो टोटल कितने वर्ड हैं, 6। आई से आई एक फिक्स हो गया, एक आई तो अभी भी बचा ना, तो वो तो इधर आगे रोटेट होगा ना, अब अगर आर फिक्स हुआ तो डबल आई इधर आ जाएगा, इधर डबल आई आएगा, इधर डबल आई आएगा एंड इधर डबल आई आएगा, आई अगर आ गया तो क्या बचा, एस यू आर आई टी, तो इनको अरेंज करके, अब R अगर फिक्स हो गया तो S U I I T, तो 5 फैक्टोरियल बाय, ऐसे इन सब में 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ डबल I। अब ये आ गया 120, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये आ गया 1 to 120 पोजीशन, ये 120 to 120, 1 to 180 पोजीशन एंड सो ऑन। हमने हमें कहाँ जाना है, यानी कि ये जो केसेस हैं आर से स्टार्ट होने वाले, यहाँ पे हमारा आंसर है, यानी कि हम किसको फिक्स करेंगे, आर को, तो आर को फिक्स कर दिया, आर चला गया, अब आर नहीं बचा हमारे पास, तो आर को फिक्स कर दिया। अगेन इससे पहले अगर आई से आ चुके हैं वर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि आई वो सारे फिक्स हो चुके हैं, नहीं, सिर्फ अभी तक हमने आर फिक्स किया, इसके अलावा और कोई वर्ड कंज्यूम नहीं किया अभी तक हमने, है ना, यूज नहीं किया अभी तक हमने, आर को फिक्स कर दिया। इसके बाद सबसे पहले आएगा आई से स्टार्ट होने से, फिर आएगा एस से स्टार्ट होने से, फिर टी से, फिर यू से, ऐसे। तो जो आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड है हमारे 60, उनमें से क्या होगा, आर आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे सबसे पहले, फिर आर एस से, फिर आर टी से, फिर आर यू से। अब देखो आर आई अगर इधर आ गया तो एक आई अभी भी बचा, तो आई एस टी यू, इनको रोटेट करके कितने बनेंगे, 24 केसेस। अब इधर R and S फिक्स कर दिया तो आया U I I T,
क्या आएगा इधर 24/2 12 केसेस, ऐसे इसके 12 केसेस, इसके क्योंकि डबल आई आ रहे हैं, इन तीनों केसेस के अंदर डबल आई आएगा आगे रोटेट होने, इसके अंदर एक ही आई आएगा क्योंकि एक आई फिक्स हो गया था। अब 12 12 12 36 36 प्लस 24 60, तो ये वो 60 केसेस की बात हो रही है जो आर से स्टार्ट होने वाले 60 केसेस है, 121। अब 121 टू 180 के अंदर सबसे पहले 24 केसेस आएंगे आर आई से स्टार्ट होने वाले, तो क्या आ जाएगा 121 से 144। कैसे किया इसके अंदर, तो देखो कभी भी अगर इसके अगली पोजीशन पे जाना हो तो इसके अंदर ऐड कर दो कितना 120 121 आ गया, इसके अंदर क्या ऐड करना है 24, तो 144 आ गया। अब अगली 12 पोजीशन ऐड करनी है तो इसका अगली पोजीशन क्या जाएगी 145 2, इसके अंदर 12 ऐड कर दो क्या आ जाएगा अगला 12 157 2, इसके अंदर 12 ऐड कर दो कितना आएगा 168, अगला 169 2। मेरे को तो क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बताना है, मेरे को सब कुछ बताना है डिटेल में, कितना आएगा 180 राइट। ये आ गई सारी की सारी पोजीशन इसकी, यानी कि ये जो 60 केसेस हैं 121 से 180, इसके अंदर से पहले 24 केसेस आएंगे 121 पोजीशन से 144 पोजीशन वाले आर आई से स्टार्ट होने वाले, अगले 145 से 156 में आएंगे तुम्हारे आर एस से स्टार्ट होने वाले, 157 से 168 आएंगे आर टी से स्टार्ट होने वाले, 169 से 180 आएंगे आर यू से स्टार्ट होने वाले। ये क्लियर हुआ श्योर? अच्छा अब अपने को जाना है इधर 134, यानी कि आई अपना फिक्स हो गया आर आई, तो जो आर आई है अब क्या बचा आई एस टी यू, तो आई एस टी यू, अब ध्यान से देखो आई इधर आ गया तो इधर आएगा एस टी यू तो 6 केस, इधर तो इधर कितने आएंगे आर आई एस आ गया, तो आर आई एस आ गया तो यूटीआई, यूटीआई को रोटेट करके 6, इधर भी 6, इधर भी 6, तब जाके 24 केसेस बनेंगे ना, क्योंकि रेपिटेशन हो नहीं रहा, एक आई तो इधर आ गया, इधर जो बचेगा डबल आई आ ही नहीं सकता, सिंगल आई आएगा तो डिवाइडेड बाय 2 तो होगा नहीं, सारे के सारे सेम आएंगे, तो कितने आ गए 6 6 6। तो अब देखो 121 से 144 के जो 24 केसेस हैं इनके अंदर से पहले 6 केसेस क्या आएंगे 121 to 126, ठीक है अगला 6 केसेस 127 to 6 ऐड किया 132 133 to 139 to, अपने को चाहिए इसके अंदर का सेकंड केस, तो आर आई टी फिक्स हो गया क्या आर आई टी, ये आर आई आई है ना, आर आई आई फिक्स हो गया, आर आई आई फिक्स हो गया, इसके आगे कौन से वर्ड है जो रोटेट करने हैं आई आर आई आई फिक्स हो गया अगेन, इसके ये फिक्स हो गए हैं, इनके आगे कौन से हैं लेटर जिनको अरेंज करना है, कितने तरीके 3 factorial 6, तुम लोग पता क्या कर इनको भी साथ में काउंट कर रहे हो क्यों, इसलिए कंफ्यूजन हो रही, वो तो फिक्स हो गए और फिक्स केसेस के नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं 1, उनको नहीं काउंट करना हमने को। ये क्लियर हुआ राइट अब आर आई टी पे आ गए राइट, अब इसके बाद आर एक आई चला गया, एक आई अभी बचा टी, अभी बचा आई एस यू, तो इधर आएगा आई फिर आएगा एस फिर आएगा यू, अब इधर कितने हैं 2 केसेस 2 केसेस 2 केसेस, अपने को चाहिए इसका सेकंड केस, मतलब ये 6 केसेस में से सेकंड केस, मतलब पहले जो 2 केसेस आ रहे उसका सेकंड केस, हाँ है ना, आर आई टी के जो 6 केसेस में से इसका सेकंड केस चाहिए ना 133 134 चाहिए हमें, तो इसका सेकंड केस चाहिए, तो ये जो 6 केसेस से आर आई टी से स्टार्ट होने वाले, आर आई टी से स्टार्ट होने वाले आई एस यू से, फोर्थ लेटर फिक्स किया ना आर आई टी आर आई टी, तो आर आई टी आई आर आई टी एस आर आई टी यू, इससे स्टार्ट होने वाले 6 केसेस में से पहले 2 आएंगे आर आई टी आई से स्टार्ट होने वाले, अगले 2 आएंगे आर आई टी एस से स्टार्ट होने वाले, अगले 2 आएंगे आर आई टी यू से स्टार्ट होने वाले, अब अपने को क्या चाहिए सेकंड केस, इन 6 केसेस में से सेकंड केस का मतलब ये जो पहले 2 केसेस है इसका सेकंड केस, नहीं पक्का श्योर अभी क्लियर हो रहा है राइट, तो इसका सेकंड केस, सेकंड केस के लिए आई को फिक्स कर दिया तो आर आई टी आई, अब क्या बचा एस एन यू, तो सबसे पहले एस आएगा फिर यू आएगा आर आई टी आई, तो ये वाला केस चाहिए अपने को, हाँ है ना
ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? पोजीशन बाय पोजीशन, वर्ड बाय वर्ड अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? श्योर? ठीक है, ठीक है, ये कल करते हैं, टाइम हो गया।